दर्शकों, आज हम आपको नारी के यौन शोषण की एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक थी माधवी, बेहद खूबसूरत, अत्यंत आकर्षक। राजा ययाति की ये बेटी किसी गुण में कम नहीं थी। राजा ययाति ने अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने गुरु गालव को भेंट में दे दिया और यही से आरंभ होती है माधवी की बर्बादी की कथा। ऋषि गालव ने माधवी को 3 राजाओं को एक एक वर्ष के लिए भेंट में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में मूल्यवान घोड़े देने थे। हर राजा से गालव ने 200 मूल्यवान घोड़े लिए, जबकि उसे कुल जमा 800 घोड़े देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान की उत्पत्ति की। राजाओं से प्राप्त घोड़ों को उसने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया, लेकिन बचे हुए 200 घोड़ों का इंतजाम नहीं हो सका तो गालव ने माधवी को ही विश्वामित्र को भेंट कर दिया। माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, और जब विश्वामित्र को पुत्र की प्राप्ति हुई तब गालव ने माधवी को वापस लेकर उसे उसके पिता ययाति को लौटा दिया, क्योंकि अब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि इस दौरान वह खुद भी माधवी के साथ अंतरंग संबंध बनाता रहा। दर्शकों, ये कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर एक राजा की बेटी राजकुमारी होकर इतनी अजीबोगरीब हालत से गुजर सकती है तो उस युग की निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए समय चक्र।